आज हम इस वीडियो अपडेट में जानेंगे एक अच्छी खबर के बारे में, भागलपुर, गोड्डा और बांका जिला से जो निकल के अब तक सामने आई है। इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों को लेकर के बड़ी अपडेट आई है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इंडियन रेलवे के आर, जहां पर हम लगातार इन सभी रेलवे जोन और इन सभी जिला के अंतर्गत पड़ने वाले हर एक ट्रेनों की जानकारी देते हैं, साथ ही इन सभी रेलवे स्टेशन की भी जानकारी आपको हम देते हैं। ऐसे में कोई भी अपडेट ना छूटे, हमारे चैनल को अब तक नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। बता दें कि 8 अप्रैल से गोड्डा दिल्ली भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई थी, जो कि एक हमसफर स्पेशल ट्रेन थी। साप्ताहिक ट्रेन में पैसेंजर लोग सफर किया करते थे और यह काफी पसंदीदा ट्रेन भी थी, लेकिन इस ट्रेन का परिचालन उस समय भी देखने को मिला जब पैसेंजरों की लगातार कमी हो रहा थी, और ऐसे में कोरोना संक्रमण को लेकर के पिछले 1.5 महीने तक दोनों तरफ यह ट्रेन खाली ही गई। खाली ट्रेन यह आ रही थी और जा रही थी। इधर पहली बार हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में 1100 से अधिक पैसेंजर की टिकट की बुकिंग हुई। 18 कोच वाली इस ट्रेन में 1296 सीट है। सोमवार को हमसफर स्पेशल ट्रेन 1124 टिकट गोड्डा से दिल्ली तक का अलग अलग स्टेशन से कटाया गया। वहीं 202 पैसेंजर गोड्डा रेलवे स्टेशन से दिल्ली व अन्य जगहों के लिए रवाना हुए, जबकि भागलपुर से 368 यात्री दिल्ली के लिए रवाना हुए। बाकी पैसेंजर ने अलग अलग जगह से टिकट बुकिंग कराई है। रेलवे के अनुसार जब से यह ट्रेन चल रही है, पहले बार इतनी टिकट कटाई गई है। 18 कोच वाले इस हमसफर एक्सप्रेस की शुरुआत पिछले महीने ही हुई थी, जहां पर कि हमने आपको इस ट्रेन की पूरी डिटेल्स भी दिए थे। भागलपुर के समय को लेकर के नाराजगी थे और गोड्डा हमसफर के टाइम टेबल को लेकर भी यहां पर लोग नाराज थे। एक्सप्रेस ट्रेन को गोड्डा से भागलपुर पहुंचने व भागलपुर से दिल्ली के लिए खुलने में लगभग 5 घंटे लग रहे थे, जबकि लोकल ट्रेन लगभग 3 घंटे में ही पड़िया हाट से भागलपुर पहुंचा रही है। पैसेंजर कह रहे हैं कि रेलवे टाइम टेबल को फिर से निर्धारित करे, जबकि सीआरएस ने 90 किलोमीटर प्रति घंटा गोड्डा से हसदिया के ट्रेन चलाने की अनुमति दी है। रेलवे का कहना है कि आने वाले समय में सुधार होगा और समय कम लगेगा इस ट्रेन से अगर आप सफर करेंगे तो। गोड्डा व भागलपुर की दूरी वाया हसदिया 108 किलोमीटर है, जबकि यहां से बस भी हसदिया होकर जाए तो लगभग 3 घंटे में पहुंचाती है, और ऐसे में यह ट्रेन इतनी देरी से पहुंचाती है कि पैसेंजर की यहां पर थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में इस पर अपडेट कर दिया जाएगा और वापस से इस ट्रेन को लगभग 3 घंटे के सफर में 3 घंटे का ही समय लगाया जाएगा। तो ये था आज का लेटेस्ट अपडेट। इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आने वाली नई ट्रेनों का अपडेट हम आपको देते रहेंगे।